हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपने जो कीर्तन सुना है वो कीर्तन पिछले 55 साल से निरंतर होता आ रहा है। झारखंड का देवघर जिला, यहाँ के कई आश्रम यहाँ भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं। इनमें से एक है जसीडीह में स्थित लीलानंद पागल बाबा आश्रम, 1967 से त्योहार मना रहा है। यहाँ के निवासियों द्वारा 24 घंटे भगवान कृष्ण के लिए प्रार्थना हरिनाम कीर्तन का आयोजन किया जाता है। देवघर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आश्रम को पगला बाबा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1967 में लीलानंद ठाकुर द्वारा की गई थी। विशेष रूप से आश्रम की स्थापना के समय संस्थापक सदस्यों द्वारा 108 वर्षों तक भगवान कृष्ण के नाम पर निरंतर प्रार्थना आयोजित करने की कसम खाई गई थी। हर हाल में व्रत रखा है और हरि कीर्तन अनवरत चलता आ रहा है। गौरतलब है कि यहाँ हरि कीर्तन के लिए 4 टीमों को शिफ्ट में बांटा गया है। यहाँ अष्ट धातु से बनी राधा और भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ एक मेला भी लगता है। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग के अलावा बंगाल और बिहार राज्य से श्रद्धालु आते हैं। तो चलिए एक बार फिर से कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरा घर जसीडीह हनुमान नगर हुआ। क्या मान्यता है, कब कब यहाँ आती हैं? मैं यहाँ बीच बीच में आती ही रहती हूँ। क्यों आती हैं? यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पागल बाबा मंदिर बहुत दिन से यहाँ स्थापित है, लगभग 60 वर्ष से यहाँ स्थापित है। मैं सोनू झंडा वाला नाम हो गया और हम जसीडीह बाजार हनुमान नगर से हैं और ये पागल बाबा का मंदिर हम लोग का जो है सो बहुत दिन से परंपरा चले आ रहा है और उसी के सामने में एक दुर्गा मंदिर है, बगल में अस्पताल भी है, सरकारी अस्पताल, उसी के बगल में दुर्गा मंदिर है और हम लोग बहुत दिन से यहाँ पर आते हैं, यहाँ से पूजा करके जाते हैं, जो मांगते हैं माँ देव जरूर देती है। पगला बाबा की मान्यता बहुत परंपरा से है, जब से यहाँ पगला बाबा आए थे तब से बहुत मान्यता है। नालंदा से पगला बाबा जब यहाँ आए थे तो एक जो है गोवाला का तरह जो है वो एक बीच रास्ते में बैठ के हरे रामा हरे कृष्ण का भजन वो कहते रहता था और यहाँ जब से पगला बार रहने लगे तब से अगर 5 किलो चावल डालने से तो 100 लोगों 200 लोगों को खिचड़ी बना के खिलाता था लेकिन खाना कभी घटता नहीं था, ठीक है। और हाँ, और जितना है जितना पतल होता था जितना खाता था लोग टोटल अपना सर पे उठा के और पगला बाबा खुद अपने ही से वो फेंकते थे। तो पगला बाबा का शक्ति है 108 बरस तक हरे राम हरे कृष्ण वहाँ पर होगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम गणेश कुमार दास हुआ।